नूह में हिंसा का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो फुटेज आपको दिखाते हैं। अस्पताल के बाहर उपद्रवियों ने जमकर आतंक मचाया, उपद्रवियों की तोड़फोड़ और पथराव की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, वो फुटेज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये उपद्रवी तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, चेहरे को ढके हुए, चेहरे पर रुमाल बांधकर, कपड़ा बांधकर किस तरीके से ये उपद्रवी यहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, हाथों में डंडे लिए सीसीटीवी फुटेज को तोड़ने की कोशिश, और वहां पर देखिए किस तरीके से ये आतंक मचा रहे हैं। ये सबसे पहले जो तस्वीर है आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि नूह में जो हिंसा हुई, आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है? ये सबसे नया सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जिनमें यह साफ दिख रहा है कि किस तरीके से तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है, किस तरीके से वहां पर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हाथों में डंडे लिए सबसे पहले सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश करते हैं ये, ताकि फुटेज में ना कुछ दिख पाए, और उसके बाद वहां पर किस तरीके से कई युवक देखिए मुंह को ढक कर यहां पर हाथों में डंडे लिए, लाठियां लिए किस तरीके से चला रहे हैं वो आप इस फुटेज में देख सकते हैं। 31 जुलाई यानी कि कल का ये पूरा फुटेज और पहला फुटेज इस वक्त आपके सामने है। हाथों में डंडा लिए किस तरीके से उत्पात मचाते हुए, तोड़फोड़ करते हुए आप देख रहे हैं। नो हिंसा का ये पहला वीडियो आपके सामने है। अस्पताल के बाहर उपद्रव किया गया, साइबर क्राइम थाना वहां पर भी किस तरीके से तोड़फोड़ की गई वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और अभी मेवात हिंसा का मुजरिम कौन, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसकी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर हुआ। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। नूह हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, 3 लोगों की मौत हुई है, 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हुई, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो हिंसा वहां पर की गई। डीएसपी समेत करीब 10 पुलिस वाले घायल हैं, ये भी जानकारी वहां से सामने आ रही है। और 80 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, और भारी पुलिस बल अब भी वहां पर तैनात है। अलग अलग हिस्सों में लगातार मोर्चा संभाले हुए पुलिस के अधिकारी, और सरकार लगातार वहां के लोगों से शांति की अपील कर रही है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप शांति बनाए रखें, जो भी इस हिंसा का दोषी होगा उस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। शांति की अपील फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है। उसके बीच में ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल के बाहर किस तरीके से उपद्रव किया गया, इनको देख लीजिए आप, और पूरी प्लानिंग के साथ ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में डंडा के चेहरे को छिपाए हुए हैं, नकाब में ये आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाते हुए, तोड़फोड़ करते हुए साफ आप देख सकते हैं। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कर्फ्यू की स्थिति पूरे नूह में देखने को मिल रही है, स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन इसी बीच ये 2 तस्वीरें इस बात की बानगी कि किस तरीके के हालात नूह में देखे गए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।